पाकिस्तान में नई सियासी जमात अवामे पाकिस्तान पार्टी की एंट्री, शाहिद खाकान अब्बासी कन्वेनर मुकर्रर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल होंगे। हर कोई पूछता है क्या आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट है, शाहिद खाकान अब्बासी का लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा कि अवाम पाकिस्तान पकी पकाई जमात नहीं, ये एक सोच है। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, इवा में बैठी अक्सरियत इलेक्शन हारने के बावजूद असेंबली में है। आईनी ओहदे रखने वाला हर शख्स रोज आइन तोड़ता है, चंद हफ्ते बाद तमाम मसाइल का हल पेश करेंगे। पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि पाकिस्तान का निजाम दुरुस्त नहीं है, कि ये निजाम जो है ये एक शिकारी निजाम हो गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। आम पाकिस्तानी एक शिकार है, एक आम पाकिस्तानी एक साहिल है, उसे उसकी शहरी की हैसियत नहीं है, उसकी सिटीजन की हैसियत नहीं है, उसकी एक साहिल की हैसियत है। अगर मेहरबानी फरमा दी तो फरमा दी, नहीं फरमाई तो नहीं फरमाई। और ये बजट, ये जो आज बजट आया है इस मुल्क का, ये इसकी हुकुमरानों की तरजीहात की बेहतरीन नक्काशी करता है। पाकिस्तान में दोहरा निजाम नहीं चल सकता, ना ही हम चलने देंगे। क्या ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अकासी करता है। मिफ्ता इस्माइल का लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, सरदार मेहताब बोले कि पाकिस्तान में मसला गुर्बत का नहीं, लीडरशिप की कमी का है। तकरीब में जईम कादरी, शेख सलाहुद्दीन और हजारा बरादरी की रहनुमा फातिमा आतिफ की भी शिरकत। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को मुल्क जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की जाती है। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संकीर्ण बहरान बन गए हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसलह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। आज के मुनाकिदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ी आईनी पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी, उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे, और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा होके रहेगा और सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तारीख का होगा। बानी पीटीआई के बगैर सियासत मुकम्मल नहीं, शहबाज हुकूमत चंद रोज की मेहमान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने तनकीद निश्तर बरसा दिए, कहा कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का तरनोल जलसा मुलतवी करने का ऐलान, बोले कि अदालत की हिदायत पर जारी होने वाला नोटिफिकेशन डीसी मुअत्तल नहीं कर सकता, ये तौहीन अदालत है। अदालत से दरख्वास्त करेंगे आशूरा के बाद जलसे की इजाजत दी जाए। मौजूदा हुकूमत कंधों पर है, हमारे इदारे के साथ कोई मसले नहीं, शख्सियात से इख्तिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ थाना कैंट में पहले से एक मुकदमा दर्ज है। खातून वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा तो वो भी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे केसेस से अलहदा हो जाए। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन की नहीं, जाली केसेस वापस लें फिर मुज़ाकरात होंगे। वफाक पर जो है वो चढ़ाई करने निकले थे मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब ये कंटेनर पर चढ़े हुए थे तो उस वक्त भी यही हरकत कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो मतलूबा सहूलतें इनको मुयस्सर थी, मैंने कई दफा बताया कि अब वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है। तो अब ऐसी कोई तबाह आजमाई अगर ये ना फरमाएंगे तो बेहतर होगा, अदरवाइज जो इंकलाब इनका जहां से चलेगा वहां पर वापस भिजवाना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। एक कैदी की ब्लैकमेलिंग और धोन सुध धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तबाह आजमाई की कोशिश ना की जाए, इनकलाब जहां से चलेगा वहां वापस भिजवाना हमें अच्छी तरह आता है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अजमा बुखारी कहते हैं कि अडियाला जेल में कैद जो शख्स देसी घी के मुर्गों और बकरों के अलावा रह नहीं सकता, वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि भूख हड़ताल की बातें करने वाले तो रोजा भी नहीं रखते होंगे।
मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी का माहौल है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया है। वज़ीर-ए-आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला अच्छा है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई का एपीसी में शिरकत करने का फैसला मुस्बत अमल है। गैस पेट्रोलियम की तलाश करने वाली कंपनीज का पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोलियम और गैस कंपनीज के वफ्द की मुलाकात। 3 साल में पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए पाकिस्तान में 240 जगह खुदाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का ज़रे मुबादला बचेगा, ईंधन और गैस की कीमत भी कम होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 4,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से बीएस करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। शर्जील मेमन की जानिब से आवाम के लिए खुशखबरी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द ईवी टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान में पहली बार ईवी टैक्सी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। यकम मुहर्रम से पंजाब भर में दफा 144 नाफिज करने का फैसला। 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत ने 143 मजहबी रहनुमाओं की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। विफाकी वजारत दाखिला का कहना है कि इंटरनेट बंदिश से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 बच्चों समेत 9 अफराद जांबहक हो गए, 25 अफराद जख्मी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। खुशाब, सरगोधा, मियांवाली, मिंजनाबाद, लालिया, चिन्योट में भी बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में पानी का बहाव 4 फीट तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक नदी नालों में सिलाबी सूरत हाल का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। एमक्यूएम ने वज़ीर-ए-आला सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सूबे की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। जहां काम होता है वहां इश्तिहार की जरूरत नहीं होती। सिंध हुकूमत 18,000 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। इतनी रकम से सिंध 50 बार नया बन जाए। आज कश्मीर से कराची तक तबाही नजर आती है। जब मफाद होता है तो कहते हैं कि आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं, जब मफाद नहीं होता तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को लाजिम मलजूम करार दे दिया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत गनहोर खान इजरान ने कराची के बल्दियाती इदारों की तबाही का जिम्मेदार मुस्तफा कमाल को करार दे दिया। इल्जाम आयद किया कि बतौर सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल ने भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को बल्दियाती इदारों में भर्ती किया। इख्तिलाफी राय को बातचीत के जरिए हल किया जाए। सियासी जमातों को कौमी मसाइल पर एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का एजुकेशन एक्सपो से खिताब। कहा कि ओपोजिशन आइन के दायरे में रहते हुए शौक से एहतजाज करें, हम भी टोकन एहतजाज के तौर पर अवामी असेंबली लगाते रहे। हमजा शहबाज ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अरबों रुपए के फंड्स मांग लिए। हमजा शहबाज की एनए 118 के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स जारी करने की इस्तेदा। हल्के के 51 तरक्याती स्कीम्स की तफसीलात पर मबनी मुरासला वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल कर दिया।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ टोल प्लाजा हंगामा केस, अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन रावलपिंडी के जज फैसल रशीद ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 20,000 रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। मुकदमे की रेगुलर समाअत अब सिविल जज की अदालत में सितम्बर से शुरू होगी। पीटीआई को इस्लामाबाद जलसे की इजाजत क्यों ना मिली, वजूहात सामने आ गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। 3 जुलाई को इस्लामाबाद से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ। संजानी और तरनोल के इलाकों में ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल की धमकी। मरकजी चेयरमैन आसिम रजा ने कहा कि विद होल्डिंग टैक्स देना हमारे बस की बात नहीं, 11 जुलाई से मार्केट में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे।